हेलो एंड वेलकम बैक टू माय कैफे। एक बार आज फिर से हम लोग खेलने वाले हैं इंटरनेट कैफे सिमुलेटर। लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक बेहतरीन वाली ट्रिक निकाल के ढूंढी थी। ट्रिक क्या, एक काम ढूंढा था जिस तरीके से हम लोग कम टाइम में अच्छा पैसा बना पा रहे थे। लेकिन आज उस काम के साथ साथ में एक और काम ऐड करना है जो आप लोग भी चाहते थे, वो है माइनिंग रिग मुझे बाय करनी है। तो मैंने ऑफ कैमरा अभी लिफ्ट एक बार स्टार्ट कर देते हैं, ऑफ कैमरा थोड़ा सा काम किया जिसकी वजह से हमारे पास अभी ऑलमोस्ट $5,000 हो चुके हैं। मैं इससे भी ज्यादा अर्न कर पाता, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या थी? प्रॉब्लम सिर्फ एक सेकंड, अभी क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है, लो ढूंढ लो। यही दिक्कत आ रही है यार, इस बंदे ने मेरे को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक बार मतलब मैं ऑफ कैमरा सारा काम कर रहा था, तो हो क्या रहा था ना, एक दो बार तो ऐसा हुआ और आप लोग ये भी बता रहे थे कि इससे काम कर लो, लेकिन अभी ये कुछ काम की चीज नहीं दे रहा है कि इससे इसके टास्क लो और ये पैसे देता है। तो हुआ क्या ना, एक बार मैं बहुत सारे मैंने कस्टमर से ऑर्डर लिए थे, मैंने बहुत सारी सीडी बनाई थी और उसको मैं बेचने जा रहा था। तो हुआ क्या कि इसने मेरे को पकड़ लिया, ठीक है, इसने पकड़ लिया, सारे की सारी सीडी ले ली और ऊपर से फाइन मेरे पास आ गया, बहुत गंदा वाला, तगड़ा वाला। अभी मेरा सिस्टम ऑन ही है कि मैं यहाँ पर काम ही कर रहा था। जो हार्ड वाला गेम है ना, ये वाला सिर्फ मेरे पास हार्ड है, तो ये $200 तक बिक जा रहा है, मतलब 150 से 200 के बीच में। ये मीडियम वाला है, ये $100 तक बिक रहा है, और ये ईजी वाला है, ये 80-70-90 ऐसे बिक रहे हैं। तो मैं ट्राई कर रहा था जैसे और कुछ हार्ड गेम है, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बार आप लोगों के सामने ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता अभी मेरी किस्मत चमक जाए। मैंने ऑफ कैमरा बहुत कोशिश की कि मैं कुछ और गेम क्रैक करके रख लूं, बट हो नहीं पाता। एक बार जल्दी से इसको ट्राई करते हैं। तो जितना हार्ड होता है ना, उसको क्रैक करना भी उतना मुश्किल है। उसका पोर्ट नंबर ढूंढना करेक्ट वाला, वो मुश्किल हो जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं रिपीटेड इसको करते रहूंगा तो हो जाएगा। होता क्या है कि अलग अलग पोर्ट चेक करता रहा, अभी इसने 32 तक कर लिया, अभी इसके बाद स्टार्ट करेगा चेक करना। लेकिन कई बार ना वो लोग ट्रैक कर लेते हैं, देखो अभी भी हो गया ना, डिटेक्ट कर लिया उसने, तो अब मैं नहीं कर सकता इसको, अभी फिलहाल थोड़ी देर तक तो नहीं कर सकता। ऑर्डर्स में अगर देखा जाए तो मेरे पास एक इसका रखा है, इसका मैं ले लेता हूँ ऑर्डर। ये वाला जो गेम है इसको मैं बल्कि लगा भी देता हूँ, ये वाला। अभी मेरे पास सीडी नहीं है, सीडी मैंने बहुत सारी बाई करी। तो अगर आप लोग देखो मेरा बैग, इसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज है, पहले वाले में 2 था, अभी इसमें 4 है, तो मैंने एक बैग भी नया लिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लेके आनी वो लेके आना, ये खत्म हो चुका है। तो मेरे ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं काम ही कर रहा था, तो मेरे एक सीपीयू जो पुराना वाला, उसको आग लगी है, उसको कोई चोरी करके ले गया, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जबकि मैं कैफे नॉर्मली जितना भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं ना बंद करके, ये बंदा तू यहाँ से हट जा, तू ही कर रहा है यार चोरी, तो मेरा सीपीयू गायब कर दे किसी ने, ठीक है। उसके बाद मैं एक पुराना सीपीयू लेके आया फिलहाल के लिए, कि चलो एटलीस्ट कुछ तो चाहिए अपने कस्टमर को सर्व करने के लिए, उनको अगर चलाना हो इंटरनेट वगैरह। तो मैं इसके पास से एक पुराना सीपीयू बाय करके लेके आया था, जो मुझे पड़ा था ऐसे, ये वाला था शायद, वो ये वाला नहीं, ये नहीं था, अरे तो अच्छा इसने रखा हुआ है, तो ऐसे ही कुछ था। लेकिन वो हुआ क्या कि जल गया। अभी मेरे पास ये भी मुझे बाय करना है, तो ये मुझे चाहिए एक। वो कितने का दिया इसने मेरे को, एक सेकंड, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे, एक और अगर ले पाऊंगा तो देखता हूँ कि कितने का है। $50 का एक और ले लेते हैं यार, ये ना काम की चीज है, ये रखे रहूंगा मैं अपने पास। अभी हुआ क्या कि जब तक खरीदने जाता तो तब तक तो सिस्टम जल के बिल्कुल गायब, पुर्जे तक गायब हो गए उसके। और आप लोगों ने सजेस्ट किया था, जो मैं आप लोगों ने से पूछा था मैंने कि क्या मुझे नया पीसी बाय करना चाहिए और पुराना बाय करना चाहिए, तो सब लोगों ने सजेस्ट किया था कि मुझे नया बाय करना चाहिए और अच्छा बाय करना चाहिए, उसके मेरे को रेट थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। तो आज का मेन अपना गोल होने वाला है माइनिंग रिग एक बाय करके लेके आना, उससे पैसे कमाने का वो देखना। तो सबसे पहले अभी इसको छोड़ते हैं, देखो ऑर्डर्स बहुत आ रखे हैं, अभी ऑर्डर ले नहीं रहा हूं मैं, अभी इसको करते हैं बंद। एक सीपीयू एटलीस्ट मुझे चाहिए सीपीयू। यहाँ पे बिल किस चीज का आ रखा है, अभी बिजली का बिल होगा। पेनल्टी, अबे दिमाग खराब, इसने इतनी सारी पेनल्टी किस चीज की लगा दी, इसको तो मैं पे कर चुका था यार, ये क्या हो रहा है, $640 इसने पेनल्टी लगा दी मेरे इल्लीगल मटेरियल। अभी तो ये तो पहले की तो मैं पे कर चुका था, अभी क्या हुआ है दोबारा से। देखो कपड़े कितने से, क्योंकि इतना ही दिख रहा ना, तो इतने से ही कपड़े हैं ये बड़ा सही है। अभी ना सबसे पहले माइनिंग रिग बाई करते हैं, क्योंकि उसको काम भी तो कराना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बंदे के पास में, बंदा है बंदी है, एक बार देख के भी आना मुझे। हाँ तो ये लड़की है यार, इसने एक खोपचे में सी दुकान खोली, ये नहीं कि यहाँ से कूड़ा कचरा साफ कर लो, ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। सही है यार, इसका काम सही चल रहा है यहाँ पे। तो अभी ना मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, सबसे पहले मुझे ये तो बाई करना पड़ेगा, तो एक ये बाई कर लेते हैं, उसके बाद से एक ये सब सेम है, तो ये एक ये बाई कर लेते हैं, इनको बाई करके रख भी लेता हूँ, भरोसा नहीं इन लोगों का। तो बैग में आ जाएगा, ओके बैग स्ट्रेचेबल है ना मेरा। ग्राफिक कार्ड एक में बाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेम है, दो बाई कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कितने लगा सकते हैं, बट नॉर्मली जो माइनिंग रिग होती है उसमें बहुत सारे लग जाते हैं, तो देखते हैं कि बार क्या होता है। घर जाके एक मस्त सा अपना माइनिंग रिग बनाते, बहुत सब लोगों ने बोला था कि इससे जो भी टास्क है मिलते रहो, लेकिन अभी ये पता क्या कह रहा है, ये देखो। तो मेरे को लगता है कि मेरे को ना इसको दे देना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है ना, इस बंदे ने मुझे बोला था, इसने मेरे को $400 पे भी किए थे, इसने मुझे बोला था कि वहां पे सेकंड फ्लोर में जो
कैफे है ना उसको धीरे धीरे वहां से हमको कस्टमर्स अपने लेने हैं, जो आप लोगों ने भी बताया था। और ये बंदे ने मुझसे कुछ बोला था कि टेबल के नीचे डिवाइस लगा दो, मैंने डिवाइस तो लगा दी, उसके बाद से अब ये कुछ और बहाने मान रहा है। तो अभी ना $1500 मेरा देने का मन सा नहीं कर रहा, तो देखूंगा बाद में इसको देने तो पड़ेंगे। सबसे पहले ना माइनिंग रिग ये निकालते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं, माइनर कोड ये सब क्या चल रहा है, अभी इसको छोड़ते हैं, अभी सबसे पहले ये सब फिट करते हैं इसमें चीजें। ओके हाँ, तो ग्राफिक कार्ड इसमें बहुत सारे लग सकते हैं, अभी मैंने सिर्फ दो लगाए। तो थोड़ा सा देखने के बाद मुझे यहाँ पर माइनर वाला ऐप दिखा, मैंने उसको ओपन करके देखा और उसमें मेरे को दिखा दिया कि मेरा कोड कौन सा है। तो अब जाके मुझे ये वाला कोड उसमें एंटर करना है, उसके बाद से हमारा माइनिंग रिग स्टार्ट हो जाएगा और मुझे कुछ और ग्राफिक कार्ड बाय करने। और जब तक ये काम करेगा तब तक मुझे कुछ सीडी वगैरह बेच के ताकि मैं और पैसे कमा पाऊँ, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ $1800 बचे हुए हैं। ओके तो ये हो चुका है हमारा वर्किंग, इसको कर देते हैं क्लोज। एटलीस्ट एक अपना माइनिंग रिग होगा तो अगर वो काम अच्छा करेगा, अगर उससे प्रॉफिट अच्छा होगा तो मैं और बाई करने वाला हूँ। कितने का? $500 का, तो मैं 3 तो बाई कर ही लेता हूँ। अब बस मुझे एक ही काम करना है, सीडी क्रैक करके वो बेचनी है, तो उसी से हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। फिलहाल ये वाला ग्राफिक कार्ड उसमें लगाता हूँ मैं, इंसर्ट कर देते हैं, मुझे लग रहा है ज्यादा ही लगने वाला है इसमें, ये चल रहा है। तो अब मुझे लगता है ना मुझे ये यहाँ पे लगा के कर देते हैं ऑन, क्योंकि अब ना बहुत इसमें पंगा भी होने वाला है, क्योंकि ये गर्म हो जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ से क्या हमको कुछ मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा ये भी नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा ये चीज बाद में। तो इसको कर देते हैं मिनिमाइज, कुछ सीडी वगैरह बेच के आते हैं, क्योंकि अभी अपने पास पैसे हो चुके हैं सारे के सारे खत्म। कौन से वाले ऑर्डर करने चाहिए मुझे, सबसे महंगा अभी ये वाला, अभी फिलहाल के लिए एक करते हैं, बाकी देखता हूँ अगर और कोई गेम में क्रैक कर पाया तो। बड़े महंगे मैंने बहुत कोशिश कर ली इसको क्रैक करने की, ये हो ही नहीं रहा। एक ये वाला आ रखा है, इजी वाले करके तो उतना फायदा है नहीं, क्योंकि मेहनत उतनी लग रही है, टाइम उतना जा रहा और हो कुछ नहीं रहा। तो एक बार ये मैं ट्राई कर सकता हूँ, एक बार ट्राई कर लेता हूँ इसको अगर हो पाया तो। चलो देखते हैं कि क्या पता अगर ये क्रैक हो गया, मीडियम वाले में भी ठीक ठाक पैसे हैं। ओके इसने डिटेक्ट कर लिया, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, अब इसका काम हो चुका है यहाँ पे खत्म। मुझे लग रहा है अभी ना बहुत देर मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि कैफे खोल के भी फायदा नहीं, कैफे में तो कुछ है ही नहीं ना अपने। थोड़ी देर मुझे यही वाला काम करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि जो 4-5 हज़ार मैंने कमाए थे ना इसी से कमाए थे। अभी मेरे को महंगे वाले गेम के ऑर्डर नहीं आ रखे हैं, बट थोड़ी देर में आ जाएंगे, जैसे जैसे मैं टास्क अपने कंप्लीट करता रहूंगा, मैं ऑर्डर्स लेते रहूंगा तो महंगे वाले ऑर्डर भी आएंगे। एक बार पैसे कमा लाएंगे तो तब जाके हम लोग, इसने करा था मेरा खर्चा अच्छा खासा वहाँ पे। अभी मैंने रखी हुई है 4 DVD इसमें, जो इजी वाला गेम है तो उतना महंगे नहीं बिकने वाले, थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है। अभी मुझे एक हार्ड गेम का ऑर्डर आ रखा है और एक बार में 10 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं आ रहा, इतना मैंने देख लिया। तो मैं ऑर्डर फटाफट से कंप्लीट करते रह रहा हूँ ताकि मेरे को दूसरे ऑर्डर मिलते रहें, और अभी तो अपने पास पैसे सिर्फ $500-600 के अराउंड है, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो अपना अबे कहाँ बीच में खड़ा हो गया, रास्ता ही नहीं जरा जाने के लिए, ये बंदा देखो यहाँ पर लगा हुआ है, रास्ते रोक रखे हैं। और हाँ अभी एक बार हम लोग ना सेकंड फ्लोर में जाके देखते हैं कि उनका धंधा कैसे चल रहा है, देख के आते हैं क्या कुछ कर सकते हैं वहाँ पर हम लोग। अभी तो नहीं कर सकते, बॉम्ब वाला काम मैं ना अभी उसमें मैं फोकस नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं उतने ज़्यादा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, इसका भी ठीक ठाक चल रहा है यार, इसका मतलब जगह है। ये तो गेमिंग कंसोल लगा रखे हैं इसने बहुत सारे यहाँ पे, ये लोग कंप्यूटर में काम भी कर रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पर टाइप करके हो जाएगा आगे, सही है लगे रहे। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग चलते हैं अपने घर में सोने के लिए, उसके बाद से थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके एक नई सुबह हो चुकी है और अब हम फिर से निकल रहे हैं अपने काम के तरफ। धीरे धीरे करके मेरे को चीज़ें पता चल गई कि कहाँ से रास्ते कहाँ को हैं। तो यहाँ पर है माइनिंग रिग। ओके तो सबसे पहले यहाँ से ये एक बाई कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास बचे $3000 तो ये भी बाई करना ही पड़ेगा। केस भी बड़ा महंगा है यार, ये दो चीजें महंगी है। चलो अभी इतना ही लेके चलता हूँ, थोड़ी देर में फिर आता हूँ तेरी शॉप में। एक बार मैं ट्राई करने वाला हूँ कि क्या इसमें एक और आने वाला है, आ जाएगा। ओके एक और लग गया इसमें, ठीक है। अब जाके हम लोग दूसरा वाला रिग भी रखते हैं, सबसे पहले मुझे रखना है केस यहाँ पे। ओके अब जाके ग्राफिक कार्ड लगाता हूँ और इसको स्टार्ट भी कर देता हूँ साथ साथ में, तो इसको कर देते हैं हम लोग स्टार्ट। बंदा साला दिमाग खराब, ये क्या कर रहा है, ये शटर के अंदर कैसे घुस गया बंद में यार, ये तो फिर मुसीबत वाली बात है ना। वो पता नहीं कैसे घुसा, एक ग्लिच ऐसे मेरे साथ ना हो यार, ये ग्लिच ऐसे गंदे वाले। कि अपने शॉप में ना कुछ अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ, तो माई कैफे ये है, अपग्रेड अगर मैं करता हूँ, न्यू रूम $799 का, तो अगर मैं इसको बाई करता हूँ। ओके एक न्यू रूम हो चुका है, उसके बाद से देखते हैं कि सबसे पहले न्यू रूम कहाँ है वो देखता हूँ मैं, पीछे होगा ना शायद। ओके ओके तो जगह थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है और अब जाके मेरे पास कितने पैसे हैं यहाँ पे, 2000 के अराउंड है। एक बार ऑर्डर देखते हैं कि क्या मेरे पास कोई अच्छे गेम के आ रखे हैं क्या ऑर्डर्स। नहीं अभी कुछ महंगे तो नहीं आ रखे, माइनर स्पीड के हैं। अभी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देता हूँ अभी। दूसरा काम मुझे ये करना था कि आइटम्स में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर 1200 का ये मुझे लगाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चोरी का मतलब बड़ा खतरा है यहाँ पर यार। तो ये चीज़ लग गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुलेगा। ओके ओके ये सही लग गया, अब जाके बंद रहेगा ना। ओह अभी इसको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये बंदा यार मेरे पीसी के पीछे पड़ गया हूँ,
दिमाग खराब इसने, इसको इधर रखता हूँ मैं कोने में यार। इसको मैं जब तक ये यहाँ तक पहुँचेगा ना, इसको मेरे को मारना पड़ेगा। और स्लाइडिंग डोर का कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगा था कि इसका फ़ायदा होगा। देखो चोरी कैसे करने आ रहा है, ये तो पीछे पड़ गया गेमिंग पीसी के। फिर से आ गया अभी हट जाए यहाँ से। ओके हमारे एक कस्टमर आ रखा है, गेट बंद हो जाए। गेट बंद भी तो नहीं हो रहा है, लोग घूमते रह रहे हैं, तो सेंसर ऐसे खतरनाक लगे हुए हैं कि वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। कस्टमर आ चुका है, इसको जल्दी से अप्रूव करो। पहला कस्टमर है यार बहुत टाइम बाद, 1 आवर। ओके देखते हैं कि कितना पैसा पे करता है 1 आवर में। अब मुझे लगता है कि आज हम लोग एपिसोड कर लेते हैं यहीं पे एंड। बीटीसी माइनिंग रिग एक लग चुकी है, दूसरी प्रॉप लग भी चुकी है, लेकिन दूसरे में थोड़ा सा और काम बाकी है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी मैं बाई नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके लिए शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और ऑफ कैमरे इसमें काम करना पड़ेगा ताकि एक्सपीरियंस थोड़ा सा और हो जाए। वैसे ही अपने पास पैसे कम है, तो बहुत पैसे खर्च किए अभी मेरे पास, $237 है। अभी मैं ट्राई करूंगा कुछ और गेम को क्रैक करने की, हार्ड वाली, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वाली ट्राई करूंगा, ताकि हम लोग और गेम बेच के अच्छे खासे अर्न कर पाए। और थोड़े से अभी रिक तो नहीं बाई कर पा रहा हूँ, पर धीरे धीरे अपना जो कैफे है उसको अपग्रेड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।